Hey everyone, my name is Ram Nivas. आज हम लोग I'm from Smart Guru Services. आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टर्स का, जानेंगे सब कुछ. सब कुछ यानी सब कुछ फ्रॉम दो तीन एपिसोड्स में, बिकॉज वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं, आप लोग भी बोर हो जाते हो, तो दो तीन वीडियोज़ में हम सब कुछ प्रोजेक्टर्स के बारे में जानेंगे. तो चलिए आज शुरू करते हैं. देखिए, प्रोजेक्टर्स बेसिकली ये काम करते हैं लाइट्स पे. लाइट, एक वाइट लाइट जिसमें से तीन लाइट्स जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर्स निकलते हैं और इन्हीं तीन कलर से बिलियंस ऑफ कलर्स बना देता है प्रोजेक्टर. सिर्फ इन तीन कलर से बिलियंस ऑफ कलर्स प्रोजेक्टर बना देता है. हम उसी बारे में आज बात करेंगे. द सोर्स ऑफ लाइट इन प्रोजेक्टर जो होती है, वो तीन तरीके के प्रोजेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट, जो मोस्ट पॉपुलर है, लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर. लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर में बहुत कुछ है अभी भी बात करने को. डीएलपी प्रोजेक्टर क्या होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, एलईडी, तो उस पर हम बाद में बात करते हैं. अभी हम मेजर जो तीन सोर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं. लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर, एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर और लेज़र बेस्ड प्रोजेक्टर, यही तीन तरीके के प्रोजेक्टर्स हैं. इनके बारे में आज समझते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या होता है. सबसे पहले अगर लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर्स की बात करूं, तो ये सबसे रिलायबल है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर. और मोस्टली स्कूल्स अपने क्लासरूम में लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर ही लगवाते हैं. दूसरा है एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर. एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर ये भी पॉपुलर हैं, बट ये क्लासरूम में नहीं यूज़ हो सकते. क्लासरूम में वही प्रोजेक्टर यूज़ हो सकते हैं जिनमें टेक्स्ट बहुत ही क्लियर आए. अभी हम लोग बात करेंगे कंट्रास्ट रेशियो क्या होता है, कंट्रास्ट रेशियो कैसे काम करता है, वो क्यों अच्छा होता है, कितना ब्राइटनेस होनी चाहिए, कितनी कंट्रास्ट होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे. और थर्ड है लेज़र वन. लेज़र नया, बिल्कुल नया है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है. एलईडी वाला बहुत कम एक्सपेंसिव है. ये अगर इनकी अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो लैम्प बेस्ड जो प्रोजेक्टर हैं, फर्स्ट वन लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर, ये 24-25 हज़ार रुपए से शुरू होते हैं और लगभग 80-85 हज़ार रुपए तक जाते हैं. और जो एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर है, ये 2-4 हज़ार रुपए से शुरू होकर के 17-18 हज़ार रुपए तक की रेंज में जाते हैं. और जो लेज़र प्रोजेक्टर हैं, ये शुरू होते हैं 80 हज़ार रुपए से लेकर के 7-8 लाख रुपए तक की इनकी रेंज होती है. ये बिकॉज ये इनमें बहुत वैरायटी है, अकॉर्डिंग टू पर्पस हम अलग अलग जगह पे इनको यूज़ करते हैं. और हर एक प्रोजेक्टर का अपना एक क्लास है, वो उसी जगह फिट हो सकता है, वो दूसरी जगह फिट नहीं हो सकता. लैम्प बेस्ड जो प्रोजेक्टर हैं, ये क्लासरूम में भी यूज़ होते हैं, ये होम एंटरटेनमेंट में भी यूज़ होते हैं, ये जो बिग कॉन्फ्रेंसेस हैं उस पर हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे. अभी हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं. इनमें लैंप लगे होते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें ऐसे वाले लैंप लगे होते हैं. तो लैंप 190 वाट से लेकर के शुरुआत ही लगभग 190 वाट से होती है और ये 480 वाट तक के लैंप अलग अलग लगे होते हैं, अकॉर्डिंग टू इनका कंट्रास्ट रेशियो जैसा होता है. जितना ज़्यादा ब्राइट होगा, ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी, उतना हैवी लैंप लगा होता है. अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, तो क्लासरूम में जो हमें चाहिए होता है 3000 ल्यूमेंस तक का कंट्रास्ट चाहिए होता है, तो उसमें ये 190 या 200 वाट के लैंप लगे होते हैं. लेकिन अगर कंट्रास्ट 4000 या 5000 चाहिए होता है, मैक्सिमम इनका जो अमेरिकन ल्यूमेंस है, देखिए ल्यूमेंस भी दो तरीके के हैं, चाइनीज ल्यूमेंस आता है, अमेरिकन ल्यूमेंस जाता है. जो स्टैंडर्ड है वो अमेरिकन ल्यूमेंस जो जाना जाता है,
उसमें मैक्सिमम जो लैंप वाले हैं ये 5000 आंसा ही तक जाते हैं। दूसरा जो एलईडी की अगर बात करूँ, एलईडी बेस्ड जो प्रोजेक्टर होते हैं वो थोड़ी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और इनमें बहुत कम लाइट कंज्यूम होती है, बहुत कम लाइट यूज़ होती है। और थर्ड वन इज़ लेज़र। लेज़र की अगर बात करें तो ये भी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं इन कंपेयर टू लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर्स। लैम्प बेस्ड जो प्रोजेक्टर हैं इनकी अपेक्षा इनमें कम लाइट यूज़ होती है। अगर लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर की बात करूं, इन कंपैरिजन ऑफ लेजर एंड एलईडी, इनका लाइफ जो होती है थोड़ी शॉर्ट होती है। यानी आप अगर इनकी स्टैंडर्ड मोड पे बात करें तो 3000 से 6000 आर्स तक मैक्सिमम ये रह पाते हैं, उसके बाद इनके लैम्प को रिप्लेस करना पड़ता है। और कुछ हैं जो इको मोड पर ये 15000 घंटे तक चल सकते हैं। 15000 घंटे भी इनफ है। अगर हम क्लासरूम की बात करें तो अगर 6 घंटे 3 घंटे क्लासरूम चल रही तो 6-7 साल 4 साल मैक्सिमम चल जाते हैं ये, उसके बाद फिर कहीं लैम्प चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और इनमें ख़राबी कुछ नहीं होता लैम्प के अलावा। दूसरा, एलईडी बेस्ड जो प्रोजेक्टर्स होते हैं इनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, ये 15000 से 30000 घंटे तक चलते हैं। और लेज़र बेस्ड जो प्रोजेक्टर हैं ये 30000 से 80000 घंटे तक चलते हैं। ये मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में लेज़र वाला बहुत अच्छा होता है। लैम्प बेस्ड जो प्रोजेक्टर होते हैं इनको वार्म अप और कूल डाउन होने में टाइम चाहिए होता है। मतलब लगभग ये 1.5 मिनट के आसपास अपने आप को वार्म अप होने में लगाते हैं। और इनकी अगर बात करें तो इनमें कोई ज़रूरत नहीं होती, नो नीड है इसमें। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, इनमें ज़रूरत नहीं होती वार्म अप और कूल डाउन की। और लैम्प बेस्ड जो प्रोजेक्टर होते हैं रियली ब्राइट, बहुत अच्छा। अगर क्लासरूम की बात करें तो बहुत अच्छा आउटपुट इनमें आता है। क्लासरूम की अगर बात करें तो क्लासरूम में इतनी इनफ लाइट होनी चाहिए कि बच्चों को आप कुछ पढ़ाएं तो वो लिख भी सकें। और आप रूम डार्क नहीं कर सकते या लाइटें बंद नहीं कर सकते, उस हिसाब से अगर देखें तो लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर ही केवल कारगर हैं एक क्लासरूम में, स्कूल्स में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, ऑडिटोरियम में आप थोड़ा डार्क कर सकते हो, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत लाइट तो रखनी पड़ती है एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर के लिए। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एलईडी का कि ये बहुत कम ब्राइट होता है। अगर इनकी आंसाई ल्यूमिनस में बात करूं तो जहां जो लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर हैं वो 3000 से 5000 तक ल्यूमेंस तक का कंट्रास्ट देते हैं, एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर जो होते हैं ये 100 से मैक्सिमम जो कंपनी क्लेम करती है वो 800 या 1000 ल्यूमेंस तक ही ये ब्राइटनेस अपनी दे पाते हैं। तो ये क्लासरूम के लिए इफेक्टिव, बिकॉज इनमें टेक्स्ट वगैरह भी क्लियर नहीं आता। ये मूवी देखने के लिए तो ठीक है कि आपको स्टोरी देख ली, मूवी देख ली, बट अगर आप जहाँ पर अगर आप टेक्स्ट कुछ दिखा रहे हो, टेक्स्ट पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर ये उतने वेल कारगर नहीं होते। थर्ड वन इज़ लेज़र। लेज़र तो हर मायने में सबसे बेहतर है। इसकी ब्राइटनेस भी ये 5000-8000 से शुरू होते हैं, 5000-6000 ल्यूमन से शुरू होते हैं और ये 10000 ल्यूमेंस तक आंसाई ल्यूमिनस अमेरिकन ल्यूमेंस से 10000 ल्यूमेंस तक ये ब्राइटनेस देते हैं। अगर सिर्फ और बात करें तो फर्स्ट वन लैम्प बेस्ड जो प्रोजेक्टर हैं वो थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं, ये बजट में होते हैं, इनएक्सपेंसिव तो एलईडी वाला होता है, बट वो क्लासरूम के लिए नहीं। लेज़र वाले जो प्रोजेक्टर हैं ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, बस इसमें यही ड्रॉबैक है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। 80000 घंटे की 85000 घंटे की लैम्प लाइफ है, यानी एक बार ही लगा लिया फिर फुर्सत। अब रोज़ 8 घंटे भी देखो
तो 80,000 को 8 घंटे से डिवाइड करके देख लो, कितने दिन कितने साल आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, ये वंस इन अ लाइफ वाला सौदा होगा। बहुत अच्छा इसका आउटपुट है, बट थोड़ा कॉस्टली है अगर आप इस हिसाब से देखें तो। आगे हम लोग बात करेंगे लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर। लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर तीन तरीके के होते हैं, एक अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो, शॉर्ट थ्रो और लॉन्ग थ्रो। जो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, बेसिकली ये देखा गया जब हम क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं, तो जो लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर से, यानी जो 10 से 12 फीट की दूरी पे लगते हैं, इनमें टीचर्स के फेस पे परछाई आती थी, थोड़े सस्ते पड़ते थे। लॉन्ग थ्रो और शॉर्ट थ्रो में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़र्क है कॉस्टिंग में। तो उसका एक ऑप्शन आया शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर, और ये पॉसिबल केवल लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर में ही है। बाकी जितने भी प्रोजेक्टर हैं, चाहे वो एलईडी वाले हैं चाहे वो लेज़र हैं, वो एक फिक्स डिस्टेंस पे ही काम करते हैं। आप जितना दूर करते जाओगे उतना बड़ा स्क्रीन होता जाएगा, यानी 30 इंच से लेकर के 300 इंच तक आप स्क्रीन बड़ा छोटा कर सकते हो, वो एक फिक्स डिस्टेंस पे ही होगा। आप फोकस एडजस्ट करके या डिस्टेंस बढ़ा के ही स्क्रीन बड़ा कर सकते हो। इनमें क्या है, ये सेम साइज़ का, सपोज़ अगर 100 इंच का स्क्रीन देना है, तो अगर आप लॉन्ग थ्रो है तो लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पे आपको लगाना पड़ेगा। शॉर्ट थ्रो वाले प्रोजेक्टर में एक चीज़ आई कि टीचर के चेहरे पे कोई परछाई नहीं पड़ती थी, ना ही उसकी बॉडी की कोई शेडो बोर्ड पे पड़ती थी, हल्की फुल्की हाथ के ऊपर थोड़ा बहुत, सपोज़ आप लिख रहे हैं कुछ या आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तब के हाथ के ऊपर परछाई जाती थी, बस इतना ही होता था। और जो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो, इसकी तो बिल्कुल भी, ये लगभग 2 फीट की दूरी पे आप ये 1 से 2 फीट, बहुत सारे अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो बिल्कुल 1 फीट की दूरी पे लग जाते हैं, और 1 से 2 फीट की दूरी पे मैक्सिमम, अगर आप टीचर हैं आप बोर्ड से लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पे खड़े होके कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, आपकी तो बिल्कुल भी रोशनी बोर्ड पे नहीं पड़ेगी और ना ही प्रोजेक्टर की लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है। तो ये मेजर डिफरेंस है लॉन्ग थ्रो, शॉर्ट थ्रो और अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में यूज़ होते हैं, बाकी सब जगह, चाहे वो लेक्चर हॉल है, चाहे ऑडिटोरियम है, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल है, चाहे क्लासरूम है, ये सब जगह एक फिक्स लेंस वाले प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं, बिकॉज उसमें ब्राइटनेस अकॉर्डिंगली देखी जाती है, उस हिसाब से ही बात करते हैं। अब अगर मेजरली देखें तो लैम्प बेस्ड जो प्रोजेक्टर हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक DLP होता है, DLP प्रोजेक्टर, इसका मतलब है डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। इसमें एक DMD लगा होता है जो डिजिटली कलर्स को कन्वर्ट करता है, और दूसरा है LCD, यानी ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगेन ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, मोस्टली दोनों ही टेक्नोलॉजी अच्छी हैं, DLP थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और LCD थोड़ा सस्ता है, यही 2 फ़र्क है DLP प्रोजेक्टर और LCD प्रोजेक्टर्स में। अब मैं बात करूं प्रोजेक्टर्स की, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स, हम प्रोजेक्टर्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो प्रोजेक्टर्स बहुत सी जगह हैं, जैसे बहुत बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, हॉल हैं, लेक्चर हॉल्स हैं बड़े बड़े, थर्ड अगर बात करें तो क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स में भी प्रोजेक्टर बहुत जगह यूज़ होता है, मीटिंग रूम है, आप एक छोटा 10 लोगों का या 15 लोगों का मीटिंग रूम, आप होम सिनेमा के लिए प्रोजेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोग क्रिकेट का मज़ा या मूवीज़ का घर पे ही लेते हैं अपना, उन्होंने अपना एक होम थिएटर होम सिनेमा बना रखा है, बहुत से लोग होम थिएटर के लिए लेते हैं, इसमें 4K वाले प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं, आगे हम लोग उसके लिए बात करेंगे। और अगर अगला बात करें तो एक स्मार्ट प्रोजेक्टर
एक अलग कैटेगरी है, ये ऑल इन वन होता है। इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ, स्मार्ट प्रोजेक्टर और बाकी प्रोजेक्टर्स में क्या फ़र्क है। और तीसरा है पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स, लास्ट वन। अब देखिए, ये जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं, ऑडिटोरियम है, लेक्चर हॉल है, क्लासरूम है, क्लासरूम में दो तीन वैरायटी होती हैं। अब जैसे मैंने बताया था, लॉन्ग थ्रो, शॉर्ट थ्रो, अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो, ये तीन वैरायटी क्लासरूम में यूज़ होती हैं। वो एज़ पर बजट, स्कूल का जैसा बजट है उसके हिसाब से प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं। बाकी जो मीटिंग रूम है, होम सिनेमा, होम थिएटर है, इन सब जगह ये नॉर्मल एक प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, एक डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले डिवाइस है, जो कि आप जो भी आप केबल का कनेक्शन आपने लिया, आपने HDMI का कनेक्शन जो भी दिया, जिस भी मीडियम से आप कनेक्शन दे रहे हैं, वो दिखाएगा आपको। स्मार्ट प्रोजेक्टर्स जो हैं, ये एंड्रॉयड प्रोजेक्टर्स होते हैं। बेसिकली इनमें एंड्रॉयड इनबिल्ट आता है। आप डायरेक्ट पेन ड्राइव लगा के कोई PPT दिखाना चाहते हैं, एज लाइक फ़ोन, मतलब फ़ोन में जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लिया आपने, या कोई भी आपने PPT एक्सप्लेन करनी है, या आपने सीधे केबल TV से कनेक्शन दे दिया, ये एंड्रॉयड हैं एक तरीके से। और पोर्टेबल वाले जो प्रोजेक्टर होते हैं, अगेन ये इसमें सी टाइप कनेक्शन आप जेब में लेकर के, बैग में लेकर के ईजिली, पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं, तो इनको आप लेकर के घूम सकते हैं। ये अपने आप अपना रिजोल्यूशन वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें होते हैं पोर्टेबल वाले में। पोर्टेबल वाला आप मूव कर सकते हैं, बाकी चीज़ें एज़ पर रिक्वायरमेंट। जो इनमें खास चीज़ें देखने वाली होती हैं, जब भी आप प्रोजेक्टर खरीदें तो कुछ चीज़ें बहुत गौर से देखें, बहुत चीज़ें मिलाएं। आज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीज़ें चूज़ करें, या अगर आपको फ्री में कोई सोल्यूशन चाहिए या समाधान चाहिए तो हमारे पास वो भी है। हम आपको, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या पे कॉल कर सकते हैं, हम उसके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोजेक्टर मॉडल नंबर, उसका प्राइस वगैरह मैं इसलिए अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। हो सकता है आपने आज वीडियो देखी या एक महीने बाद या एक साल बाद देखी, तो उस समय प्राइस कुछ और होगा, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आपने, आप बोलेंगे कि आपने बोला था इतने का और अभी ये इतने का क्यों है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है नेटिव रिजोल्यूशन। नेटिव रिजोल्यूशन जो होता है, जो सबसे अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं, WXGA। देखिए, इसमें सबसे जो हाईएस्ट होता है वो 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। इसका 3840x2160 नॉर्मली ये होम सिनेमा में यूज़ होता है। जो घर में एकदम सिनेमा वाली फील लेना चाहते हैं, ये नॉर्मली वो वाला रिजोल्यूशन होता है। इसमें पिक्सल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको रियल फील होगा। उसके बाद जो WXGA है, ये 1920x1200 रिजोल्यूशन होता है। फिर WXGA होता है 1280x800, XGA 1024x786, SVGA 800x600 रिजोल्यूशन होता है। फुल HD 1920x1080 रिजोल्यूशन होता है। एक VGA रिजोल्यूशन होता है 640x480, और एक 480 पिक्सल वाला होता है। ये बेसिकली LED प्रोजेक्टर है। तो रिजोल्यूशन डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से आप रिजोल्यूशन, आप आउटपुट कौन सा दे रहे हैं, कैसे आउटपुट मिल रहा है, HD आउटपुट है, उस हिसाब से आप जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी होगी। ये क्लियर है। अगर मैं जैसे मैं बात करूँ SVGA वाला रिजोल्यूशन, ये 800x600 होता है। अगर इसका मैं सपोज़ 6x4 का स्क्रीन एक क्लासरूम में अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक क्लासरूम में अगर 6x4 का बोर्ड पे लगाते हैं तो बहुत नज़दीक से देखेंगे तो इसमें पिक्सल छोटे छोटे आपको दिखाई पड़ेंगे, और थोड़ी दूर पे जाके देंगे पिक्सल, एक्चुअली इनमें पिक्सलेट होगा, इसमें मेगा पिक्सल वाली बात होती है। जितने ज़्यादा
पिक्सल बढ़ते जाएंगे उतना इमेज क्वालिटी और शार्पनेस बढ़ती जाएगी, इमेज क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी। तो जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी होगी या टेक्स्ट क्वालिटी होगी। टेक्स्ट में भी ब्लॉक्स छोटे छोटे अलग से दिखाई नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर आएगा बिल्कुल। वही चीज़ होती है ब्राइटनेस में। ब्राइटनेस जो होती है वो, जैसे मैंने अमेरिकन ल्यूमेंस की बात करी थी, आंसाई ल्यूमिनेंस जो होता है ये 10,000 ल्यूमिनेंस हाईएस्ट है। 10,000 ल्यूमेन से लेकर के 200-100 ल्यूमेंस तक के प्रोजेक्टर्स आते हैं। ये अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से, आपका क्या पर्पज़ है, कहाँ पे आपको लगाना है, उस हिसाब से आपका रूम का साइज़ क्या है, कितना बड़ा है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप कितनी लाइट्स हैं वहाँ पर, ये एक कैलकुलेशन का पार्ट है। आपने कहाँ पर लगाया, कितना बड़ा हॉल है, कितनी लाइट्स हैं, नंबर ऑफ़ लाइट्स कितनी हैं, कितना लेंथ विड्थ क्या है, पर्पज़ क्या है, एंटरटेनमेंट है या स्टडी है, जो भी है उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि किस पर्पज़ के लिए कौन सा प्रोजेक्टर ठीक होगा। अगली चीज़ आती है कंट्रास्ट रेशियो। अगेन कंट्रास्ट रेशियो एक बड़ा पार्ट है। आप कोई भी चीज़ खरीदो तो उसमें देखो आप कंट्रास्ट रेशियो लिखा होता है 1:1, 20,000, 15,000, 50,000, 3,00,000:1। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते। आप गौर करेंगे, आप अगर एलईडी टीवी खरीदने जाते हैं या प्रोजेक्टर खरीदने जाते हैं, एलईडी टीवी में सेम टीवी 15,000 का भी है और 45,000 का भी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कंट्रास्ट रेशियो का बहुत बड़ा योगदान होता है या उसकी ब्राइटनेस का। होता क्या है कि इसमें ये देखा जाता है डार्केस्ट पार्ट कितना डार्क है और ब्राइटेस्ट पार्ट कितना ब्राइट है। अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई इमेज देख रहे हैं तो उसमें सारा कुछ ब्राइट नहीं होता। सपोज आपने कोई इमेज देखी, एक नाइट में आपने कोई फ़ोटो खींची, तो आप अगर नाइट में अपने फ़ोन में कोई फ़ोटो खींचो तो वो पिक्सलेट होती है, मतलब आप उसमें कहीं कहीं डॉट्स देखते हैं ग्रे कलर का, फुल ब्लैक नहीं होता वो हल्का ग्रे होगा, कहीं डार्क होगा, कहीं बिल्कुल। अब जैसे नाइट में फ़ोटो खींची, बहुत सारे स्टार्स हैं तो आपको स्टार्स उतने ब्राइट नहीं दिखेंगे, ये नाइट पूरी डार्क पूरी ब्लैक नहीं होगी वो। तो वो कंट्रास्ट रेशियो जो डार्केस्ट पार्ट है वो मेगापिक्सल में, अब अगर इनमें लेज़र की बात करें तो वो मेगापिक्सल में होता है, वो हर एक पिक्सल को या तो ऑफ रखेगा या तो ऑन रखेगा, ऑफ कर देता है या ऑन कर देता। होता क्या है जब अगर अब वो जितना कम कंट्रास्ट रेशियो होगा उतना वो बड़े बड़े पिक्सल्स दिखाई पड़ेंगे, मतलब पिक्सल्स वो उतने ब्राइट या उतने लाइट नहीं होंगे, उतने डार्क नहीं होंगे। तो कंट्रास्ट रेशियो भी देखा जाता है कि आप जितना, इसमें अगेन मैं वही बात बोलूँगा, जितना ज़्यादा कंट्रास्ट रेशियो होगा यानी डार्केस्ट, अगर यूँ आप समझो कि ब्लैक एंड वाइट पोर्शन कितना अच्छा दिखेगा उसमें, यानी एक तरफ लाइट जल रही है वो कितनी ब्राइट है और जो नाइट है वो कितनी डार्क है, तो वो कंट्रास्ट रेशियो डिसाइड करता है और उसका पिक्सल उतने ही जल्दी जल्दी मूव होते हैं, चेंज होते हैं वो कंट्रास्ट रेशियो, अदरवाइज पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी अगर कंट्रास्ट रेशियो अच्छा नहीं है तो। अगली बात हम लोग कर रहे हैं लैम्प टाइप की। लैम्प टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी लाइफ क्या होती है। लैंप देखिए, एक तो लेज़र हमने बात करी, एक यूएचपी लैंप होते हैं और एलईडी होता है। यूएचपी लैंप मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, एक तो एलसीडी और डीएलपी, इनकी अपनी अलग अलग लाइफ है। लेज़र इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ये 30,000 से 80,000 जैसी क्वालिटी है, जितना ज़्यादा प्राइस है उतनी ज़्यादा लाइफ है। अगर बात करें तो 80,000 30,000 से लेके 80,000 रुपये तक, 80,000
आवर्स तक लेज़र की लाइफ होती है। एलईडी की लाइफ 15,000 से 30,000 घंटे तक होती है। और लैंप जो है कंपैरेटिवली इनमें भी इकोनॉमिकल मोड होता है और स्टैंडर्ड मोड होता है, ब्राइट मोड होता है, तो अलग अलग मोड पे अलग अलग लाइट्स होती हैं। अब उस हिसाब से लाइफ होती है, जितना आप ब्राइट चलाओगे उतना कम उतनी लाइफ कम हो जाएगी उसके, जितना इको मोड पे चलाओगे उतनी ज़्यादा लाइफ आएगी। बहुत सारे क्लासरूम वाले जो जो प्रोजेक्टर्स हैं उनमें लगभग 15,000 घंटे इकोनॉमिकल मोड पे वो कंपनी दावा करती कि 15,000 घंटे हमारे लैंप्स चलेंगे इको मोड पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके आगे का डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टर्स के बारे में और जानेंगे और समझेंगे, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, क्या क्या इसकी सेटिंग्स के बारे में समझेंगे, हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोजेक्टर, कितनी दूरी पे कितना आना चाहिए, वो सब बारे में समझेंगे। तो इंतज़ार करिए मेरी अगली वीडियो का। और हाँ, अभी भी देखिए अगर नीचे रेड कलर दिख रहा है यानी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए और टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आगे हम लोग अभी क्लासरूम के प्रोजेक्टर्स के बारे में समझेंगे, क्लासरूम का प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, कितना उसकी सेटिंग्स क्या क्या हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्टर्स को मैं आपके सामने अनबॉक्स करूँगा और दिखाऊँगा कि उनमें सेटिंग क्या क्या होती हैं, कौन कौन से इनपुट और आउटपुट कनेक्शंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय फॉर नाउ। हाँ आ जाओ।